नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मैं हूं सचिन वर्मा। क्या आपने कभी सोचा है कि चाहे दिन हो या रात, प्रधानमंत्री के बॉडीगार्ड हमेशा काला चश्मा ही क्यों पहनते हैं? इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। अधिकतर वीआईपी लोगों को आप देखते होंगे कि कम से कम उनके साथ एक बॉडीगार्ड तो अवश्य रहता है, और वो भी हमेशा काला चश्मा पहने रखता है। जब भी हमारे प्रधानमंत्री कहीं भाषण देते हैं या फिर कोई भी वीवीआईपी रैली में जाता है, तो उसके पीछे आप देखते होंगे कि उनका सिक्योरिटी गार्ड या बॉडीगार्ड खड़ा रहता है, और वो भी काला चश्मा पहने। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। किसी भी वीवीआईपी के साथ जो बॉडीगार्ड चल रहे होते हैं या फिर खड़े होते हैं, उनकी निगाहें हर तरफ दौड़ रही होती हैं। इस बात का किसी व्यक्ति को पता ना चले कि वो कहाँ और किसकी ओर देख रहे हैं, इसलिए बॉडीगार्ड्स काला चश्मा पहनते हैं। सबसे खास बात तो ये है कि अगर अकस्मात कोई विस्फोट हो जाए, बम फट जाए या गोलीबारी होने लगे, तो स्वाभाविक है कि थोड़ी देर के लिए आंखें बंद हो जाती हैं। पर इन बॉडीगार्ड्स को हर हालत में अपनी आंखों को खोलकर रखना होता है, ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। ऐसे में काले चश्मे काफी मददगार साबित होते हैं और मुस्तैदी के साथ साथ सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने दिमाग की बात ये बॉडीगार्ड किसी को पढ़ने नहीं देते हैं, और ये काले चश्मे की वजह से मुमकिन हो पाता है। इन सिक्योरिटी गार्ड्स को इस तरीके से शिक्षित किया जाता है कि वो किसी की भी आंख और शारीरिक भाषा को पढ़ सकें और उसके अगले कदम को भांप सकें, क्योंकि दुश्मन की हर हरकत को भांपने का और उनके दिमाग की हर बात को पढ़ने का एकमात्र साधन आंख ही है। इसलिए सुरक्षाकर्मी काले चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी परिस्थिति में चाहे भगदड़ हो या आंधी आ जाए, बॉडीगार्ड्स को अपनी आंखों को स्वस्थ और साफ सुथरा रखना बेहद जरूरी होता है। जिस प्रकार से वे अपने हथियारों को संभाल कर और छिपा कर रखते हैं, उसी प्रकार से ये बॉडीगार्ड्स अपनी आंखों को ढक कर रखते हैं, और उसके लिए इन्हें काले चश्मे की जरूरत पड़ती है। हम सब जानते हैं कि जब भी कभी हम लोग बाहर धूप से अंदर कमरे में आते हैं, तो कुछ सेकंड के लिए साफ दिखाई नहीं देता है और अलग अलग रोशनियों या लाइटों से प्रभाव पड़ता है। इसी से बचने के लिए सुरक्षाकर्मी भी काले चश्मे पहनते हैं। तो इस खबर में हमने आपको बताया कि जब भी कोई नेता भाषण देता है, तो उसके पीछे खड़ा हुआ सिक्योरिटी गार्ड आखिर काला चश्मा क्यों पहनते हैं, या फिर कोई भी वीवीआईपी हो, उसके सिक्योरिटी में लगे ये गार्ड्स काले चश्मे आखिर क्यों पहनते हैं। ये खबर आपको कैसी लगी? इस खबर को शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, और अधिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।